सुल्तानपुर जनपद की कोतवाली देहात क्षेत्र में गुरुवार देर रात करीब 3:30 बजे गोरखपुर के मोस्ट वांटेड अपराधी विनोद उपाध्याय को एसटीएफ ने एनकाउंटर में मार गिराया। इस दौरान विनोद उपाध्याय ने पुलिस टीम पर कई राउंड फायरिंग भी की थी, जिसकी जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से विनोद घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए एसटीएफ अस्पताल लेकर पहुंची, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि विनोद उपाध्याय 1 लाख रुपए का इनामी अपराधी था। करीब 7 महीने से एसटीएफ गोरखपुर क्राइम ब्रांच और पुलिस उसके तलाश में जुटी थी। विनोद उपाध्याय के पास से एसटीएफ ने चाइनीज पिस्टल, 30 बोर स्टैनगन, 9 mm फैक्ट्री मेड जिंदा कारतूस और एक कार बरामद की है। अपराधी विनोद का मुख्य काम रंगदारी मांगना, जमीन पर कब्जा करना, ठेकेदारी और सूद पर पैसा देना था, जिसके खिलाफ 35 से अधिक मुकदमे दर्ज थे। बताया जाता है कि जिस दौरान मुठभेड़ हुई, उस वक्त वह कार से प्रयागराज जा रहा था। विनोद उपाध्याय इतना शातिर क्रिमिनल था कि जिसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने पहली हत्या सिर्फ एक थप्पड़ के लिए की थी, तभी से वह चर्चा में आया था। यूपी सरकार की तरफ से माफिया और बदमाशों की जारी टॉप 61 और जनपद पुलिस की टॉप 10 सूची में वह शामिल था। दरअसल उत्तर प्रदेश में कुख्यात अपराधी शिव प्रकाश शुक्ला आतंक का पर्याय तो था ही, नई उम्र के उस दौर के युवाओं के लिए रोल मॉडल भी बन चुका था। ऐसे में विनोद उपाध्याय भी शिव प्रकाश की तरफ आकर्षित हुए बिना नहीं रह सका। उसने न केवल उसे अपना रोल मॉडल बना लिया, बल्कि उसकी खूंखार प्रवृत्ति और रंगबाजी भरी लाइफस्टाइल को भी जीने लगा। कहा जाता है कि उस दौर में गोरखपुर तो छोड़िए, आसपास के जिलों में उपाध्याय का वर्चस्व कायम था। आपको बता दें कि जरायम की दुनिया में कदम रखने के बाद विनोद उपाध्याय ने साल 2007 में गोरखपुर शहर से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा था, हालांकि उसे जीत नहीं मिल सकी। इसके बाद 2007 में लखनऊ के हजरतगंज थाने में उसके खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन आज शिव प्रकाश का रोल मॉडल बनने वाले विनोद उपाध्याय का अंत भी उसके जैसा ही हुआ। ये विनोद उपाध्याय 1 लाख का इनामी अपराधी था। ये जनपद गोरखपुर के थाना गुलेरिया से गैंगस्टर के मुकदमे में 1 लाख का अपराधी था। इसके ऊपर भी 35 साल अधिक आपराधिक मुकदमे हैं और ये हत्या सहित कई बड़े बड़े अपराधों में संलिप्त रहा है। पूर्व में भी इसकी गिरफ्तारियाँ की गई हैं। हाल में जनपद गोरखपुर द्वारा गैंगस्टर एक्ट के तहत इसकी सारी संपत्ति को कुर्क किया गया था, इसके द्वारा अवैध कब्जे की संपत्ति को गिराया भी गया था। साथ में ये ऐसा क्रिमिनल था कि ये छुप करके व्यापारियों से रंगदारी मांगना, हत्याओं को अंजाम देना, अपने गिरोह को पूछताछ करने का काम उचित तरीके से हमेशा करता रहता था और सक्रिय रहता था। इसकी सूचना हमको एक दूसरे साथ से मिली कि जनपद सुल्तानपुर में आकर के किसी बड़े गैंग की साथ मिलकर के कुछ वारदात भी करेगा, साथ में कुछ लेन देन का कार्य भी करेगा। इसकी सूचना पर हमारी टीम ने जो पिछले कई दिनों से इसके पीछे लगी हुई थी, सूचना को मानसत मानते हुए जनपद सुल्तानपुर की कोतवाली देहात टीम को इंफॉर्म किया और साथ में घेराबंदी करके इसको समर्पण करने के लिए कहा गया, लेकिन इसने दोहरे का फायदा उठाते हुए किले का आड़ लेकर टीमों पर लगातार फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिसमें फील्ड टैक्टिक्स का उपयोग करते हुए हमारे साथी जवानों ने और हमें फायरिंग किया, जिसमें उसको गोलियां लगी। बाद में उसको अस्पताल ले जाया गया, जहां अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हुई। ये अकेले था या इसके साथ कोई और भी साथी थे? ये अकेले ही वहाँ पाया गया। अच्छा, क्या पाया गया है सर इसके साथ? इसके साथ बरामदगी में इसकी 100 बीजार कार मिली है, साथ में स्टैंड गन मिला है, कारतूस मिले हैं और एक 30 की चाइनीज फैक्ट्री में कंपनी में एक पिस्टल भी मिली है, चाइनीज 30 बोल की 7.65 कारतूस भी मिले हैं। और जो काफ़ी खतरनाक हथियार होते हैं, शार्पशूटर ही यूज करते हैं, इसको देख करके लगा कि बड़ी खतरनाक हथियार।